भाई आज की वीडियो में जिस जगह पे लेके आना, यहाँ पे इतना कमाल का नाश्ता मिलता है कि एक नहीं दो नहीं तीन चार अलग अलग शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे नाश्ता करने। इतना कमाल का नाश्ता होता है कि सुबह तो यहाँ पे भाई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वेटिंग चलती है। इतना क्या कमाल है इस दुकान में, आओ इधर आओ, चलो चल के पूछते हैं नाश्ते में है क्या। आ जाओ भाई, सीधा आ गए हूँ पंडित जी की दुकान पे। ये देखो एकदम बढ़िया नाश्ते का सीन चलता जा रहा है, प्लेट्स पे प्लेट्स जा रही है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर कैसे हो आप? ऑल गुड, थैंक यू। सबसे पहले तो टाइम दे दिया आपने अपना। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ सैटरडे का दिन है, पर भैया माहौल आपके यहाँ पे संडे वाला ही है। भाई वीकेंड पे थोड़ा रश रहता ही है, बढ़िया है। आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, मौसम की खेल है। क्या बात है भैया, नाम क्या आपका? शिवांग। शिवांग भैया थोड़ा बताइए, पंडित जी की कचौड़ी जैसे भी एक ब्रांड है आपके ट्राई सिटी में, ये कितनी देर पहले शुरू हुआ? 6 years हो गए इसको, छह साल सत्रह साल चल रहा है। भैया जैसे आपके पास रश है, मैं तो सोच रहा था कि 60-65 साल हो गए होंगे इसको खुले हुए। पाजी एक्सपीरियंस है बस थोड़ा पुराना। अच्छा, पापा भी साथ में है, सपोर्ट बहुत चल रहा है, बढ़िया है। पूरी फैमिली की सपोर्ट है जिसकी वजह से जो पूरा फैमिली और पाजी अपने कस्टमर सबसे बड़ा प्यार उनका है। बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसा क्या, मैं देख रहा हूँ ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जा भी रहे हैं, ऐसा क्या खास है नाश्ते में? भाजी ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, साफ सफाई से बनाने का वो है, डेली सब कुछ फ्रेश बनाना है ये। तो एक सवाल है शिवांग भैया आपसे, नाश्ते में है क्या दिखाओगे? आइए भाजी। चलो भाई ये देखो पूरा एक बड़ा किचन है, तो बोलूंगा यहाँ पे ऑर्डर्स चल रहे हैं। सर शुरुआत किससे करेंगे? भाजी सबसे हमारा मेन प्रोडक्ट जो है बेस्ट सेलर जो है वो छोले भटूरे हैं। वैसे तीन प्रोडक्ट है अपने, तीनों बेस्ट सेलर्स हैं, छोले भटूरे, पूरी आलू, कचौड़ी आलू। छोले भटूरे होते हैं, पूरी आलू, पूरी बेड़मी पूरी भी डालू, वाह, कचौड़ी भी डालू, वाह। कचौड़ी अभी डाल रहे हैं कढ़ाई में, आप वो भी देख सकते हैं। दिखाइए सर पहले कचौड़ी से शुरू करते हैं। भाई ये देखो सामने ना कचौड़ियां लग रही है ताजी, और वाह ये भी अभी कचौड़ी फ्राई कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। देखो ये कचौड़ियां लगाई जा रही है। कचौड़ी में शिवांग भैया भरा क्या होता है? सर इसमें मूंग दाल की पिट्टी होती है भुनी हुई। ओके एक बार दिखा सकते हैं थोड़ी फीलिंग कैसे होती है इसकी? अरे ये हमारी मूंग दाल की पिट्टी है भुनी हुई। ओके ये मतलब पिसी हुई मूंग दाल नहीं है, थोड़ी दरदरी है। हाँ जी एकदम बढ़िया। इसको भरा जाता है कचौरी के अंदर। हाँ जी। वाह ये देखो ये कचौरियाँ भर के वहाँ पे लगाई जा रही है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है इस साइड? ये भटूरे की पेड़ी बना रहे हैं। वाह ये देखिए जो भटूरे के पेड़े बनाए जा रहे हैं एकदम बढ़िया, और पनीर वाले भटूरे रहते हैं ना सर जी। वाह इधर देखो भाई कढ़ाई लगी हुई है और यहाँ पे भटूरे फ्राई किए जा रहे एकदम बढ़िया से। वाह मैं ये पूछना चाहता हूँ भटूरे और पूरी दोनों एक साथ ही चलते हैं? सर हाँ जी अपनी चॉइस है कस्टमर्स की, जो लोग पूरी के दीवाने वो पूरी के ही दीवाने। ये देखो भाई अभी तो भटूरे बनाए जा रहे हैं, सर थोड़ा पूरी दिखाएंगे, पूरी कहाँ है? सर पूरी ये हाफ डन हुई पूरी रखी है, जैसे ऑर्डर आता है वो पूरी फ्राई करते हैं। ये देखो भाई ये भटूरे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं एकदम बढ़िया से, और ये रखी है और पूरी भैया भेड़मी पूरी। हाँ जी भेड़मी पूरी। वाह भेड़मी पूरी और ये हाफ डन करके रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे भाई रश रहता है बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर जो है ना एक साथ आते हैं तो हाफ डन करके रखना पड़ता है। ये देखो एकदम बढ़िया से ना कंगारू जंप स्टाइल भटूरे आते जा रहे हैं। वाह तो भाई फ्राइंग तो दिखा दी शिवांग भैया, जो जान है पूरी और भटूरा देखो साथ इसके बढ़ रखता है छोले। भाजी छोले अभी आओ, अभी आप इसके बाद दोबारा बैच चालू होगा। अच्छा बनेगा, अभी जो बैलेंस है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अरे वाह ये तो आउट ऑफ स्टॉक एक तरह से। नहीं अभी ये दोबारा बनेगा। ये देखो भाई एकदम बढ़िया हुआ हुआ हुआ, और लुक है ना भाई वो नॉर्थ, ये पंजाब स्टाइल की तो नहीं है भैया? कहाँ से हो वैसे आप? भाजी दिल्ली से। दिल्ली से हो? वो छोले की जो लुक है ना भैया देख के मुझे समझ आ गया, खुशबू से ही पता लग जाएगा कि दिल्ली के छोले हैं, दिल्ली करोलबाग से हूं वैसे मैं। तो दिल्ली से आप साथ में छोले भटूरे लेके आए हो। एक बार भैया दिखाइए डाल के, ये देखो भाई एकदम गाढ़े छोले एकदम बढ़िया। ये ऊपर आ गए जी आलू, और भैया की स्पीड तेज, और ये भटूरे की प्लेट। एक बार दिखाएंगे भैया ऊपर क्या क्या है, यहाँ पे आलू दिखाइए। ये देखो भाई एकदम बढ़िया मसाले वाले आलू, ये फ्राइड रहते हैं भैया, फ्राई करके मसाला लगाया गया। और ये यहाँ पे है जी प्याज, और ये छुपा के चटनी, चटनी कौन सी भैया? एक प्लेट पालक की चटनी। और ये दिखाइए भैया, ये देखो एकदम बढ़िया से मिर्ची का अचार। वाह कचौरी के साथ क्या देते हैं भैया? भाजी ऑथेंटिक जो है वो आलू है, ठीक है। पंजाब में छोले भी बहुत पसंद करते हैं लोग, तो हमने छोले के साथ ही ऑप्शन रखा हुआ है। ओके हाँ जी, वैसे छोले यही रहते हैं भटूरे वाले सेम। एक बार आलू दिखाइए कौन से आप कह रहे हैं? ये रहे भाई यहाँ के आलू। वाह अरे वाह, और क्या खुशबू आ रही है, हेंकी आ रही है इसमें से, बहुत ही बढ़िया एकदम बढ़िया खुले हुए आलू है। पूरी बाल्टी भर के भाई छोले भी आए हैं ताज़े ताज़े, देखो अब इसमें डाला जा रहा है जी, तरी डाल रहे हो भैया आप? वाह अब इसका मसाला तैयार किया जा रहा है, और भाई जो लुक है ना छोले की, पहले तो थी कम, अब देखो पूरी फुल लुक क्या कमाल की आ रही है। भाई ओनर साहब बिजी हो गए खुद छोले बनाने में, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वो लगाई जा रही है एकदम बढ़िया भेड़मी पूरी। वाह आम तौर पे ना भेड़मी पूरी का भैया जो साइज़ होता है वो छोटा होता है ना, यहाँ बड़े साइज़ की पूरी चलती है, एकदम बड़े साइज़ की पूरी। और ये देखो बढ़िया से बेली जा रही है। ये देखो भाई पूरी आलू की प्लेट दिखाता हूँ आपको, प्याज आई, चटनी आई,
साथ में आ गई बढ़िया हरी मिर्ची, पूरी के साथ भी आलू मिलेंगे, गाजर मिलेगी। वाह ये देखिए जी आलू गाजर का अचार, और ये भाई एकदम बढ़िया बेड़मी पूरी के लिए बढ़िया आलू, और जो खुशबू है ना इस आलू की बहुत ही बढ़िया। ये देखो जी आगे एकदम ताज़ी ताज़ी बढ़िया बेड़मी पूरी। भैया पूरी की प्लेट कितने की रहती है? 100 रुपये की आलू के साथ, अगर आलू के साथ छोले भी लेंगे तो 120 रुपये। एकदम बढ़िया, ये देखो एकदम बढ़िया कचौरी क्रशों की आ गई है। वाह और दाल की भराई देखो भाई कचौड़ी के अंदर कितनी सुंदर लग रही है। अब ये आए ऊपर आलू, वाह अलग अलग भी दे देते भैया, अगर अलग अलग लेना हो आलू और कचौड़ी अलग वो भी मिल जाएगी ना। वाह ये देखो जी आलू और कचौरी, एकदम कचौरी को खस्ता क्रश करके ऊपर आ गए एकदम बढ़िया से आलू। ये ऊपर आए प्याज, वाह और ये हरी चटनी पुदीने की भैया है ना, एकदम बढ़िया। और कचौरी की प्लेट कितने की रहती है सर? 80 रुपये एक पीस, दो पीस कचौरी भाई 80 रुपये की, एकदम बढ़िया। ये देखो भाई अपने भटूरे की प्लेट लगने जा रही है, पर उससे पहले आपको दिखाता हूँ एकदम बढ़िया। वाह क्या तड़का मारा गया जी चने को एकदम बढ़िया से। भैया लगा दीजिए फटाफट मेरी भटूरे की प्लेट यार, ये देखो एकदम बढ़िया रंगत आ गई है चने को। देखो भाई छोले तैयार हुए, लगातार जो है ना प्लेट लगती जा रही है। भटूरे के लिए प्याज आ गई, हरी मिर्ची साथ में हरी चटनी एकदम बढ़िया से। अरे वाह और जो किचन है ना एकदम से फायर अप हो गई है छोले बनते सारी। ये देखो भाई अपनी प्लेट लगवाते हैं एकदम इत्मीनान से। ये आए एकदम बढ़िया गाढ़े गाढ़े छोले, साथ में आए आलू, वाह और इस साइड से आते जा रहे हैं जी भटूरे। हुआ भैया भटूरे की प्लेट कितने की है? भटूरा की प्लेट कितने की है? 120 रुपये की भटूरे की प्लेट है भाई, दो पीस। ये देखो एकदम बढ़िया से हुआ, मतलब यहाँ पे ना यार सिंगल सिंगल प्लेट लगाने का रिवाज नहीं है, एक साथ इकट्ठी प्लेट लगाई जाती है ना भैया, एकदम बढ़िया से फूले फूले भटूरे। तो भाई बाकी जो मैंने वीडियो में बोला था कि टाइम निकाल के ना, टाइम निकाल के आना, मतलब बाकी जगह हम जाते ना कैमरा होता पास तो प्लेट जल्दी मिल जाती है जितना मर्जी हो, पर यहाँ पे भाई कैमरे का भी कोई असर नहीं है। वीडियो ख़त्म करके आधा घंटा हो चुका, मुझे टेबल नहीं मिला, बहुत मुश्किल से टेबल मिला और फिर काफ़ी देर बाद सामान मिला। तो पास में आओ, ये देखो यहाँ के एकदम बढ़िया भटूरे। वाह ये देखो पास से पनीर वाले भटूरे भाई। और ट्राई सिटी में ना आम दुकानों पे क्या होता है, एक दो शहर के लोग आते हैं, यहाँ पे पंचकूला चंडीगढ़ मोहाली खरड़ सारे एरियाज के लोग यहीं आते हैं नाश्ता करने। ये देखो भाई एकदम बढ़िया चने, ओ मसालों की यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली किक है, मतलब छोले ऐसे हैं ना अब खाओगे जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो पहले ही बाइट में ही आ जाएगा, अगर तो मसालों को पसंद करते हो आप। और अब मुझे समझ आ रहा थोड़ा सा कि भैया मौसम की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि मौसम जब वो बारिश वाला मौसम हो ठंडा तब मसालेदार चीज़ जैसे पकौड़े ऐसे चने खाने का मन करता है, तभी यह रश पड़ता है। ये देखो भाई एकदम बढ़िया मसालेदार छोले, और साथ में लेते हैं ये हरी मिर्च। ओ ज़बरदस्त, ये यहाँ की बढ़िया कचौड़ी, अरे वाह बढ़िया एकदम पिट्ठी भरी हुई है इसके अंदर दाल की, साथ में आलू। आलू भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा बेड़मी पूड़ी के साथ कैसे लगेंगे ये। ये यहाँ के आलू को ओ चने में मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर इसमें एकदम न्यूट्रल है। अगर आप नहीं पसंद करते ना मसाला खाना तो ये ज़रूर ट्राई करना, बेड़मी पूड़ी या कचौड़ी मज़ा आ जाएगा। और यह एनेस्थीसिया में मिलता है भाई, भटूरे खाओ और ये ओ बढ़िया ठंडी लस्सी पियो और घर जाके बेहोश हो जाओ। लोकेशन बहुत ज़्यादा है जी, है फेस 10 मोहाली पंडित जी कचौड़ी वाले, गूगल पे लगाओगे आ जाओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे नहीं जाने दूंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये खाओ।